Welcome to today's video lecture. Today we will be discussing about NMR. So let's start with this. So NMR, it stands for nuclear magnetic resonance. So as you see, we have three words: nuclear, magnetic, resonance. So nuclear, the whole term nuclear magnetic resonance is comprised of three terms. Nucleus, or nuclear, because it is useful in case of certain nuclei. Then we use a magnetic field in this process, and then resonance means it shows resonance between two different states or two different spin states of the nuclei, and hence the whole process is known as nuclear magnetic resonance. Moving on, if we go into details, this technique of NMR, it is very useful in determining the structural aspects of various compounds, which may include simpler organic as well as inorganic compounds, and biomolecules like proteins and other nucleic acids, other structures of other molecules. Along with this NMR, there are other techniques which are useful for this process. These may include your IR spectroscopy, mass spectroscopy, as well as X-ray crystallography. But today we will be dealing with the NMR part, nuclear magnetic resonance part. So as I told you, this technique is applicable to certain nuclei. What are the conditions, or what are the types of nuclei this technique applies to? So for NMR, it is applicable to those nuclei which shows two properties, or either of the two properties. It has to have odd number of protons or odd number of neutrons. So the nuclei which you are dealing with, because all the atoms, they contain nuclei. So as you know, nuclei are important part of an atom. For example, if we take an example of an atom, if we talk of an atom, if this is an atom, so the center part will be the nuclei. This will be the nuclei, and you know, all the atoms have nuclei in the center, and then revolving electrons outside of the nucleus in orbits or shells. So nuclei are composed of electrons and प्रोटॉन्स. तो न्यूक्लियस के अंदर आपके होंगे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं आपके, न्यूट्रॉन्स भी हैं आपके. सो इस एनएमआर के केस में हमने ये देखना है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें या तो ऑड नंबर के प्रोटॉन्स हों और या तो ऑड नंबर के न्यूट्रॉन्स हों. इन दोनों में से एक चीज होगी तो उस तरह के न्यूक्लियस को आप यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनएमआर. तो जब हम एनएमआर की बात करते हैं, जो आपके आपको आपके एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो टिपिकली हम समझाने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोजन एनएमआर, और आल्सो रेफर टू एज एचएनएमआर. एचएनएमआर में वी बी फोकस्ड ऑन द हाइड्रोजन एटम और द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन द सैंपल. सिमिलरली यू कैन हैव, बिकॉज हाइड्रोजन की बात हम इसलिए करते हैं बिकॉज हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, इफ यू टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन विच इज द दिस फॉर्म, इसमें आपके पास आप देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है. मतलब इसके पास जो न्यूक्लियस इसका है, इट हैज 1 प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है. तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 आएगा और एटॉमिक नंबर भी 1 आएगा. सिंस इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है एंड दैट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसको आप यूज कर सकते हैं इन द एनएमआर स्टडीज और इन एनएमआर एक्सपेरिमेंट्स. सो मूविंग ऑन इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन न्यूक्लियस, सो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की जब हम बात की, अभी मैंने हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है, इसमें एक प्रोटॉन है. यानी कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस को अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा, इट हैज ए प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है. अब पॉजिटिव चार्ज आपके पास है व्हेन यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और किसी भी न्यूक्लियस की बात करेंगे आप, जब ये दोनों चीजें न्यूट्रॉन और या आपका प्रोटॉन
ऑड नंबर में होंगी तो आपके पास एक डेफिनेट चार्ज होगा, काउंटर बैलेंसिंग नहीं होगी चार्ज की. तो एक नेट चार्ज है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑल ऑफ अस नो इट्स अ पॉजिटिव सेंटर. तो ये जो चार्ज स्पीशीज है, जब ये घूमती है, व्हेन इट स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जब न्यूक्लियस अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, तो इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड. इस ये प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप दिखा दो इसके मैग्नेटिक फील्ड को, ये जब इसकी अपने एक्सिस के अराउंड ये घूमेगा तो इट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड. अब आपका जो एनएमआर का जो प्रोसेस है वो फोकस करता है इस न्यूक्लियस के ऊपर, इस न्यूक्लियस के ऊपर फोकस करेगा. ये घूमता हुआ पॉजिटिव चार्ज जब एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो फॉर स्ट्रक्चरल स्टडीज. ओके, सो इफ वी लुक गो इन टू डिटेल, तो एनएमआर मशीन क्या करती है, इन घूमते हुए पॉजिटिव चार्जेस को, इन घूमते हुए न्यूक्लियाई को वो एक्सपोज करती है इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड में इन, सपोज ये आपके पास कि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये सपोज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. सो दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. अब आपके जो घूमते हुए न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे, या तो इस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेंगे, मतलब द न्यूक्लियाई विल बी, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियाई विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. या तो वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई होंगे, और या जो आपके न्यूक्लियस हैं वो इसको अपने आप को अलाइन करेंगे इन एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. तो सिंस आपके मेजॉरिटी आपका जो एटम्स या न्यूक्लियस का जो टेंडेंसी होती है, किसी भी चीज की टेंडेंसी है टू अक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट्स, ये जो आपके ऐसे न्यूक्लियस हैं जो सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, इनका नंबर ज्यादा होगा. और इस तरह की स्टेट को, इस तरह की स्पिनिंग स्टेट को, जहां पे न्यूक्लियाई अपने आप को अलाइन करें विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड चार्ज, इस तरह की स्टेट को बोलते हैं अल्फा स्टेट. और इस तरह की स्टेट को, जहां पे आपका जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को इन एन अपोजिट डायरेक्शन अलाइन करे, उसे कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट. ठीक है, तो आपके पास दो तरह के स्पिन स्टेट्स हैं, अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट. तो अल्फा स्टेट वो स्टेट है न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट है जो अपने आप को अप्लाइड चार्ज की डायरेक्शन में अलाइन करती है, और बीटा स्टेट वो स्टेट है जो अपने आप को अप्लाइड चार्ज के डायरेक्शन के अगेंस्ट. यानी कहने का मतलब इस तरह से कह सकते हैं आप कि एक रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो आपके मोस्ट जो न्यूक्लियाई होंगे वो सेम रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में अलाइन होंगे, कुछ एक न्यूक्लियस होंगे वो जो अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे. तो ये लोअर एनर्जी स्टेट होगी और ये आपकी हायर एनर्जी स्टेट होगी. इसको आप अल्फा स्टेट कहेंगे, इसको आप बीटा स्टेट कहेंगे. ओके, मूविंग ऑन, ये दोनों सिंस ये लोअर एनर्जी के ऊपर है और ये आपका हायर एनर्जी के ऊपर है. तो सिंस ये आपका लोअर एनर्जी और ये आपका हायर एनर्जी के ऊपर है, इन दोनों के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है, सपोज इसकी एनर्जी स्टेट को आप इससे दिखाते हो, ये इसकी एनर्जी स्टेट है और ये इसकी एनर्जी स्टेट है. तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये जो डिफरेंस है दोनों की एनर्जीज में, वो कहलाता है डेल्टा ई, कहलाता है डेल्टा ई, डिफरेंस इन द एनर्जी. अभी तक आपने देखा न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म के दो पोर्शन, पहला आप ने बात की न्यूक्लियाई की, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई जब घूमते हैं अपने एक्सिस के ऊपर वो अपना एक चार्ज एग्जिबिट करते हैं, ऐसे चार्ज न्यूक्लियाई को सेकेंड स्टेप के अंदर जब आप एक अप्लाइड बाहर से एक मैग्नेट के इफेक्ट के अंदर रखते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो जो चार्ज न्यूक्लियाई हैं या तो अपने आप को चार्ज की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं या चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं. उसके बेसिस के ऊपर उनकी दोनों की स्पिन स्टेट्स, एक अल्फा स्पिन स्टेट कहलाएगी, एक बीटा स्पिन स्टेट कहलाएगी. अल्फा स्पिन स्टेट जो है लोअर एनर्जी के ऊपर होती है, बीटा स्पिन स्टेट जो है वो हायर एनर्जी के ऊपर होती है. इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है आपका डेल्टा ई.
अभी तक हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए. तीसरे स्टेप पे क्या होता है एनएमआर के अंदर कि व्हेन दिस इज अचीव्ड, जब आपके रैंडमली अरेंज न्यूक्लियाई, क्योंकि उनका चार्ज है वो अपने आप को रैंडमली अरेंज करते हैं, जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो और अब वो प्रॉपरली अलाइंड हो गए, इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है कि इस सैंपल को, जिस सैंपल में ये न्यूक्लियाई आप देख रहे हो, इस सैंपल को आपने यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आपने यूज करने तीसरे स्टेप के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आपने इस सैंपल के थ्रू पास करवाने हैं, इस सैंपल को आपने हिट करवाना है, इस सैंपल को के ऊपर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालनी है. उनकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो काफ़ी लॉन्ग वेव या लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं, जिनको आप रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस भी कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी कहते हैं. उनसे आपने इस सैंपल के ऊपर वो उसको अपने एक्सपोज करना है सैंपल को उन रेडिएशंस के थ्रू. वो जो रेडिएशन जब इनको हिट करेंगी, जितना डिफरेंस होगा इस एनर्जी का उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इस एनर्जी के बराबर होगी. अगर ज़्यादा एनर्जी हुई तब भी आपके पास वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अगर एनर्जी उस रेडिएशन की इस डेल्टा ई से कम हुई तब भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. तो आपके पास हर बार हर एक पेयर, हर एक डिफरेंस के लिए, हर एक न्यूक्लियस के, दीज आर टू रेजोनेटिंग स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियाई, अल्फा स्टेट एंड बीटा स्टेट. इन दो रेजोनेटिंग स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस आप कैसे पता लगाते हो? बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. और कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स. उनकी मदद से आप ये एनर्जी डिटरमाइन करते हो. और हर एक पेयर के लिए, हर एक रेजोनेटिंग पेयर के लिए, बिकॉज एक सैंपल में एक हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पेयर तो होगा नहीं, एक पेयर का मतलब एक टाइप के हाइड्रोजन तो नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई कंपाउंड है, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन इसमें है, आप देखते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन है, इनकी पोजीशन आपने पढ़ा हुआ है, अल्फा कार्बन होता है, बीटा कार्बन होता है. तो हाइड्रोजन क्या अल्फा कार्बन से लगा है, क्या हाइड्रोजन बीटा कार्बन से लगा है, या क्या हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या टर्शियरी कार्बन से लगा है? तो डिपेंडिंग अपॉन कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, उसकी रेजोनेटिंग स्टेट्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा. और जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हम आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो हर एक तरह के हाइड्रोजन के लिए, एक तरह के हाइड्रोजन के लिए, फॉर एग्जांपल यहां पे ये दो हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये दोनों आपके साथ एक ही तरह की पोजीशन एक तरह की है, तो ऐसे पेयर्स के लिए या ऐसे हाइड्रोजन जो एक तरह की लोकेशन शो करते हैं आपको, उसके लिए एक पर्टिकुलर पीक आएगी. जैसे एक आप तो एक उसकी एक पीक सिंगल लाइन शो होती है एनर्जी, अगर आप एनर्जी देखोगे उसकी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये शो करते हैं एक पीक. तो ईच पीक इट रिप्रेजेंट्स ए हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक पर्टिकुलर और डिफाइंड स्पेशल अरेंजमेंट के ऊपर. दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, उनकी पीक अलग अलग होगी. इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं हमारे कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन हैं और कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है. सिमिलरली वी कैन डू एनएमआर फॉर कार्बन ऑल्सो. कार्बन के लिए जो हम एटम यूज करेंगे वो कार्बन 13, बिकॉज कार्बन का जो नॉर्मल कार्बन एटम है उसमें 12 उसका 12 एटॉमिक नंबर है, तो मींस 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इवन नंबर हो गया दोनों ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का. जो 13 वाला है इट विल गिव यू, 13 वाला विल गिव यू एन ऑड नंबर ऑफ, जो हमारा पहला प्रीरिक्विजिट है. तो ऑड नंबर, तो हम उसके लिए कार्बन एनएमआर कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन का पता लगा सकते हैं कि कार्बन की के नंबर कितना है और पोजीशन क्या क्या है. उसी तरह से हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने हैं और कहां कहां पे प्रेजेंट है, उनका स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, कार्बन वाले की मदद से कार्बन कितने हैं और कार्बन की पोजिशनिंग क्या है. सिमिलरली वी कैन हैव इट फॉर नाइट्रोजन, वी कैन हैव इट फॉर फ्लोरीन. तो अलग अलग एटम्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएमआर स्टडीज. ओके, सो बेसिक कंसेप्ट जो आपका है कि आप में न्यूक्लियाई को लेके एक मैग्नेटिक फील्ड में उसको एक्सपोज करना है, सो दैट जो आपके न्यूक्लियाई है इट स्टार्ट रेजोनेट्स बिटवीन द पॉसिबल स्पिन स्टेट्स. यहां पे दो ही हाइड्रोजन की दो ही पॉसिबल स्पिन स्टेट्स हैं, तो आप दोनों स्पिन स्टेट्स के बीच का डिफरेंस लेते हो एज एन विच इज डिटरमाइंड और विच इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस.
आपके पास और एटम्स हैं जहां पे स्पिन स्टेट्स दो से ज्यादा हो सकती हैं, बट सिंस अंडरस्टैंडिंग पर्पस की बात कर रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन की ही बात करेंगे। तो हाइड्रोजन के केस में दो स्पिन स्टेट्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा डेल्टा ई, वो डेल्टा ई हम डिटरमाइन करते हैं, वो डेल्टा ई वो एनर्जी डिफरेंस हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, उनको यूज करके हम बता सकते हैं। और वो कौन सी उसकी वेवलेंथ जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी एब्जॉर्ब हो रही है, मशीन सैंपल कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपको एक पीक के फॉर्म में मिलती है, एक पीक के फॉर्म में मिलेगी, सिंगल पीक फॉर ए सिंगल। अब एक हाइड्रोजन की पोजीशन सपोज एक्स थी, उसका ये पीक आई, दूसरे की वाई होगी, उसका ये आ सकता है, उसकी एनर्जी ज्यादा लग सकती है उस केस में और उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। तो सेम तरह के हाइड्रोजन एक पीक तरह की पीक देंगे और आप इससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफाई कर सकते हो और नंबर ऑफ हाइड्रोजन और एनी एटम एंड प्लस उनकी स्पेशल अरेंजमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। तो दिस इज अबाउट NMR, हाउ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। आई होप आपको थोड़े बेसिक्स क्लियर हुए होंगे NMR के बारे में।